बीते दिनों 5 से 9 नवंबर तक दिल्ली में महाराजा अग्रसेन भरतगढ़ मुरादाबाद एक्सटेंशन बदरपुर बॉर्डर नई दिल्ली में भारतीय फिटनेस बॉडी बिल्डिंग संघ द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस चैंपियनशिप प्रतियोगिता में चंबा के 26 वर्षीय हितेश खन्ना ने राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया। इस अवसर पर जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी रुपेश कुमार ने हितेश खन्ना को सम्मानित किया और उन्हें बधाई दी। And I'm from Chamba, district Chamba. And I'm professional bodybuilder. And a big competition was अपना 6 तारीख को दिल्ली में मिस्टर इंडिया फेडरेशन IFBA के थ्रू जिसमें मेरा सिल्वर मेडल लगा है। एंड 10 तारीख को कंपटीशन हुआ था मिस्टर वर्ल्ड डायमंड कप NBBUI के थ्रू जिसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल लगा है। एंड चंबा जैसे आपका फ्यूचर प्लान रहेगा ताकि और युवा भी इस फील्ड में आगे बढ़ सके? मेरा मानना ये है, अगर आप किसी चीज़ को लेके पैशनेट हो, अगर आपको वो चीज़ चाहिए, तो ऐसा कोई भी प्लेस नहीं है इस अर्थ पे कि आप अपने पैशन को पूरा करने के लिए किसी भी चीज़ की किसी भी सुविधा की आपको कमी हो। अगर आपको अपने पैशन को अपने ड्रीम को पूरा करना है तो कहीं बैठ के आप पूरा कर सकते हो। इससे पहले भी कई उपलब्धियां आप अपने नाम कर चुके हैं, थोड़ा सा बताएंगे कि अब तक का सफ़र क्या कुछ देखने को मिला, क्या कुछ संघर्ष करने को मिला आपको? यस, 2017 में मैंने फर्स्ट कॉम्पिटिशन किया था मिस्टर वर्ल्ड जिसमें मेरी फर्स्ट प्लेस रही थी। दैन उसके बाद 2018 में मैं 2 बार मिस्टर हिमाचल बना। एंड 2019 में मैंने मुंबई में जाके बॉडी पावर एक्सपो में भी कम्पीट किया जहाँ पे मेरी टॉप 10 प्लेस रही थी। एंड दिस टाइम 2022 में मैंने अपनी इंडिया में सिल्वर प्लेस लिया एंड मिस्टर वर्ल्ड डायमंड कप में मेरा ब्रॉन्ज प्लेस आया। कब आपने सोचा कि इस फील्ड में आपको अपना नाम कमाना है? जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था तभी मुझे इस चीज़ का पैशन शुरू हो गया था कि मुझे इसी लाइन में जाना है। 2015 में मैंने स्टार्ट किया था और 7 से 8 साल हो गए मुझे इसी लाइन में, तब से मैं अभी तक लगा हूँ। आइकन किसे मानते हैं? आइकन मैं खुद को ही मानता हूँ क्योंकि पास्ट में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं काफ़ी लीन था, पतला था, लोग बुली करते थे, काफ़ी कमज़ोर था। देन जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं 40 kg का था, तो मैं आइकन खुद को ही मानता हूँ क्योंकि वहाँ से यहाँ तक आया हूँ, तो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए, मोटिवेशन भी मैं खुद के लिए एंड इंस्पिरेशन। आज के इस दौर में युवा वर्ग काफ़ी नशे की तरफ आकर्षित हो रहा है और जो आपका फील्ड है नशे से बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा है, तो युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा आपकी ओर से? मैं यही बोलूँगा कि अगर किसी को नशा करना है तो वो फिटनेस का नशा करो, आपके लिए हेल्दी भी रहेगा, आप मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रहोगे। कई लोग आजकल युवा हमारा जो यूथ है वो डिप्रेशन में रहता है, सो मैं यही बोलूँगा कि आप अच्छा वर्कआउट करो, अच्छा वर्कआउट करोगे तो आप मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रहोगे एंड फिट भी रहोगे एंड हेल्दी भी रहोगे।